नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कदम, स्वागत करता हूँ आपका ब्लॉगर हेमंत इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सिर्फ 24 आवर्स के अंदर आपकी वेब स्टोरी का डिस्कवर फीचर इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी वेब स्टोरी जल्दी से जल्दी वायरल करनी है तो उसके लिए मैंने आपको इस वीडियो में मेरा एक पर्सनल मेथड आपके साथ शेयर किया है कि जिसके मदद से आप सिर्फ एक दिन के अंदर ही गूगल सर्च कंसोल के अंदर डिस्कवर फीड को ओपन करके अपनी वेब स्टोरी पर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का ट्रैफिक ले सकते हैं। वह ट्रैफिक सारा यूएसए से आया होगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ इस वीडियो में मैंने आपको जो वेब स्टोरी का एक शॉर्ट में वेब स्टोरी कैसे बनाते हैं वो बताया है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि वेब स्टोरी कैसे बनाते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। नहीं तो आप चैनल पर जाके मैंने एक वेब स्टोरी का फुल ट्यूटोरियल बनाया है 50 मिनट्स का, वो आप जाके देख सकते हैं पूरा फुल वेब स्टोरी का ट्यूटोरियल के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का यह हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है अभी फिलहाल हमारा T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और उसके साथ साथ अभी 30 नवंबर के एंड में जाके हमारा फीफा वर्ल्ड कप चालू होने वाला है। और आपको पता ही होगा फीफा वर्ल्ड कप की ऑडियंस पूरे वर्ल्ड में है, मतलब आपको यह सारी ऑडियंस हाई लेवल के ऑडियंस US, UK इन जैसे कंट्री से ऑडियंस मिलने वाली है। तो आज हम उसी टॉपिक पर देखेंगे कैसे आप वेब स्टोरी वायरल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल ट्रेंड को ओपन करना है। आपको तो पता ही होगा गूगल ट्रेंड क्या है, अगर आपको पता नहीं तो आप हमारा वेब स्टोरी का फुल ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसमें मैंने गूगल ट्रेंड को कैसे इस्तेमाल किया है पूरे डिटेल में बताया हुआ है। तो गूगल ट्रेंड के होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको फीफा वर्ल्ड कप सर्च करना है। ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है वह अभी कतार में हो रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप कतार 2022 इसका मेन कीवर्ड है। और मेन कीवर्ड सर्च करने के बाद यहाँ से आप उसका ट्रेंड भी देख सकते हैं। यहाँ पर भले ट्रैफिक कम दिखा रहा है बट आपको बहुत ही ज़्यादा हाई मात्रा में ट्रैफिक आता है इस कीवर्ड पर। तो यहाँ पर आपको पास्ट 1 आवर का यहाँ पर फिल्टर लगा देना है और पिछले 1 घंटे में जो जो कीवर्ड ट्रेंड हो रहे हैं इंडिया में, तो यहाँ से आप वह कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए इंडिया सिलेक्ट किया है बट आपको वेब स्टोरी US में वायरल करनी है तो आप यहाँ पर ऊपर जाके इंडिया से US कर सकते हैं कि लाइक US के सारे ट्रेंड यहाँ पर आपको 1 आवर के आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आवर में इतनी ज़्यादा सर्चेस यहाँ पर हो रही है। बट दोस्तों, ये जो सर्च हो रही है ये फीफा के कोई टीम के प्लेयर के सर्च है। तो यहाँ पर इस प्लेयर का नाम देख सकते हैं और अगर इस प्लेयर के बारे में गूगल पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और आप उस पर वेब स्टोरी लिखते हैं तो आपकी वेब स्टोरी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वायरल होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो प्लेयर का नेम था, मैंने यहाँ पर सर्च किया, यह एक गोलकीपर है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है बट हमें देखना है कि इस पर वेब स्टोरी बनाने के लिए ज़्यादा ट्रैफिक है या नहीं। तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह जो टेक्स्ट दिया है यह टेक्स्ट आप कॉपी करना है। इसके बाद आपका जो कीवर्ड है फोकस कीवर्ड, तो यहाँ पर मेरे जो प्लेयर का फोकस कीवर्ड है वो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और सर्च करना है। तो यहाँ पर इस प्लेयर के बारे में जो जो वेब स्टोरी यहाँ पर अवेलेबल होगी तो यहाँ पर आपको गूगल दिखाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 7 से 8 ये वेब स्टोरी यहाँ पर गूगल पर पब्लिश हो गई है। इसमें अगर आप एक वेब स्टोरी पब्लिश करोगे तो गूगल आपकी इंस्टेंट इंडेक्सिंग करेगा वेब स्टोरी को। और यह प्लेयर अगर आगे जाके फीफा में अच्छा खेलता है तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सर्चेस आने वाले हैं और इसकी वजह से आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है इस वेब स्टोरी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ इतने ही रिजल्ट है, अगर आप इस पर वेब स्टोरी लिखते तो आपकी वेब स्टोरी 100% डिस्कवर फीड में जाती है। और इसी के साथ साथ आप बाकी की भी टॉपिक कवर कर सकते हैं अगर आपकी वेब स्टोरी एक बार डिस्कवर फीड में जाती है तो। और दोस्तों, ऐसा ही नहीं कि आपको सिर्फ एक ही प्लेयर के बारे में मतलब इतने कम वेब स्टोरी बनाई होगी, आप यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर के नाम सर्च कर सकते हैं एक एक लेके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक दूसरा प्लेयर है, तो इस दूसरे प्लेयर के भी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इसके बारे में कितनी वेब स्टोरी बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं इसका नेम कॉपी करता हूँ और हमारा जो टेक्स्ट है इसके अंदर सेकेंड कॉलम में उसका नाम पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर उसके बारे में जो जो वेब स्टोरी बनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 2 पेज है यहाँ पर अवेलेबल, तो लगभग 10 से 15 है इस पर वेब स्टोरी बनी है। तो इसलिए इस कीवर्ड पे भी आप काम कर सकते हैं, अगर ये प्लेयर आगे जाके अच्छा खेलता है तो आपके वेब स्टोरी पर 100% ट्रैफिक आएगा ही आएगा। यानी यहाँ पर जो आखिरी पेज की वेब स्टोरी है मतलब एकदम लास्ट की वेब स्टोरी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 8 स्लाइड है और वह भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो इससे अगर अच्छे आप वेब स्टोरी बनाते हैं तो आपको रैंकिंग भी अच्छी मिलेगी सर्च में और आपकी डिस्कवर फीड में भी बहुत ही ज़्यादा हाई ट्रैफिक आने की संभावना है।
देन यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो कीवर्ड आप उठा सकते हैं दोस्तों, फीफा में बहुत सारे टीम होती है और बहुत सारे टीम के स्टार प्लेयर होते हैं। जैसे जैसे फीफा आगे बढ़ेगा, आप यहाँ पर रिसेंटली गूगल ट्रेंड को चेक करते रहिए, लास्ट वन आवर में कौन सा प्लेयर का नेम ट्रेंड कर रहा है, उसके ऊपर आप वेब स्टोरी लिखो। अगर उसके बारे में वेब स्टोरी नहीं है तो आपके वेब स्टोरी पर 100% ट्रैफिक आएगा आएगा। देन दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि इस पर वेब स्टोरी कैसे लिखे, तो इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले एक ब्रीफ में बताता हूँ कि वेब स्टोरी कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल वेब स्टोरी का प्लगइन के अंदर आना है और क्रिएट न्यू स्टोरी पर क्लिक करना है। अगर आपको प्लगइन सेट नहीं करने आता तो मैंने जो एक वेब स्टोरी का डिटेल वीडियो बनाया है उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दिए गई है, वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। यानी यहाँ पर फोर्थ नंबर पे जाके आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। टेम्पलेट में सबसे पहले आप लोगों को एक अट्रैक्टिव कवर लगाना पड़ेगा, जो मतलब होम पेज टाइप होता है, लाइक थंबनेल टाइप आपका ये कवर होना चाहिए कि लाइक यूज़र यहाँ से बाउंस बैक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको सबसे अट्रैक्टिव यह स्लाइड बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल के लिए एक टॉपिक सजेस्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 things अबाउट आपके प्लेयर का जो नाम है वह। तो यहाँ पर मेरा जो प्लेयर का नाम है वह यहाँ पर मैं आपको नीचे लिखता हूँ ताकि यह अट्रैक्टिव हमारे टेक्स्ट बन सके। तो यहाँ पर मैंने ऊपर हमारा जो टेक्स्ट है वो लिखा है और नीचे हमने हमारे प्लेयर का नाम लिखा है। देन इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ कि ताकि प्लेयर का नाम अच्छे से दिखे। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो प्लेयर का नेम है उसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा ली है और थोड़ा सा आपको कुछ इस तरीके से सेट करना है ताकि ये दिखने में अट्रैक्टिव लगे और यूज़र को आगे स्टोरी बढ़ने में, मतलब आगे यूज़र स्टोरी पढ़ सके, ऐसा आपको यहाँ पर बनाना है अट्रैक्टिव। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइनिंग भी कर लेना है ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगे। और दोस्तों सिर्फ आपको पहले ही पेज पर ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करना है ताकि यूज़र स्टे रहे आपकी वेब स्टोरी पर। देन यहाँ पर जो नीचे का फ़ोटो है वो आपको फ़ोटो गूगल से भी आप उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फ़ोटो है यहाँ से आपको ये फ़ोटो ड्रैग करना है और वेब स्टोरी के अंदर ऐड करना है। यहाँ पर जो नीचे का फ़ोटो है वो आप यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो नीचे के फ़ोटो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और पहली स्लाइड पर कोई भी एनिमेशन नहीं लगता, तो इसलिए आपको सिर्फ ये स्टैटिक पेज होगा। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। देन इसके बाद आपको ये स्लाइड ऐड करनी होगी, मतलब जो 5 facts है वो ऐड करने होंगे। बट 5 facts ऐड करने के बाद ये जो पेज हो ये वेब स्टोरी होगी ये टोटल 6 slides की होगी, इसलिए आपको 7 slides ऐड करने होंगे। तो 10 slides ऐड करने के लिए यहाँ पर सेक्शन वाले में से आपको कौन सा भी एक स्लाइड यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से यह स्लाइड सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव स्लाइड लग रहा है। तो यहाँ पर हम इस प्लेयर के बारे में जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वह एक बाय वन यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। जब सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्च करना है उस प्लेयर के बारे में, जो भी आपको गूगल पर जानकारी मिली है उसको आपको अपने भाषा में थोड़ा सा रीराइट करना है और तभी जाके उसको वेब स्टोरी के अंदर लगा देना है। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके दोस्तों मैंने खुद से रीराइट किए हुए सारे स्लाइड यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 7 slides ऐड कर दिए, तो टाइटल में भी 7 slides यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। और देन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एक फ़ोटो बैकग्राउंड में ऐड किया है और सामने टेक्स्ट ऐड किए है। तो इसका डिटेल वीडियो आपको वेब स्टोरी के ट्यूटोरियल में मिल जाएगा और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। मैंने सिर्फ बैकग्राउंड में एक फ़ोटो ऐड किया है और सामने टेक्स्ट ऐड किए है और बस एक हमारे ये सिंपल वेब स्टोरी हो गई है। देन हम यहाँ पर एक पोस्टर इमेज ऐड करेंगे, जो इमेज आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है वह यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सेट एज पोस्टर इमेज करके क्रॉप इमेज इस बटन पर क्लिक करना है और यह इमेज आपकी पोस्टर इमेज बन जाएगी। देन डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आपको टाइटल को ही कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा इधर उधर टेक्स्ट ऐड करना है कि यहाँ पर मैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ हमारे डिस्क्रिप्शन, ताकि यह कीवर्ड पर भी हमारी वेब स्टोरी रैंक हो सके। देन आपको इस वेब स्टोरी को पब्लिश कर देना है। वेब स्टोरी पब्लिश होने के बाद मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि वेब स्टोरी भी कैसी दिख रही है। और दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कि वेब स्टोरी के अंदर, तो आप ये हमारे वेब स्टोरी का फुल ट्यूटोरियल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको A to Z वेब स्टोरी के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है इस ट्यूटोरियल से, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की हमारे वेब स्टोरी दिख रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर नहीं किया तो इसीलिए लेटेस्ट कंटेंट के लिए हमारा यह चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।